आज तो ना तुम लोग खुशी के मारे पागल होने वाले हो, क्योंकि यार फाइनली मेरे को स्पाइडरमैन के 5 नए एंड्रॉइड गेम मिल गए। एंड सीरियसली गाइस, इन जबरदस्त गेम्स के बारे में किसी को नहीं पता। वेल गाइस, अगर मैं ही तुमको स्पाइडरमैन के नए एंड्रॉइड गेम के बारे में नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? बिकॉज यार मैं भी तुम्हारी तरह स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑल्दो मैं ऑलरेडी ही तुमको पहले भी स्पाइडरमैन के जबरदस्त एंड्रॉइड गेम्स के बारे में बता चुका हूँ, बट एज यू नो गाइस, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि स्पाइडरमैन के हर एक गेम के बारे में बताने वाला हूँ जिसको स्मार्टफोन में खेलना पॉसिबल है। सो आराम से अपने बेड पे बैठ जाओ, ईयरफोन है तो लगा लो इसको, बिकॉज आज भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी बात से फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। ये करने से तुम मेरी अगली स्पाइडरमैन गेम की वीडियो को मिस नहीं करोगे। स्पाइडरमैन के गेम्स पॉपुलर है, मानते हो ना, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करोगे जब मैं तुमको आज एक ऐसे गेम के बारे में बता रहा हूँ जिसको अब तक तो कुछ ही लोगों ने प्ले किया है, बट आज इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई डाउनलोड करने वाला है। वेल, जब तक तुम मुझे कमेंट करके बता रहे हो कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, आज के हमारे पहले गेम का नाम है स्पाइडरमैन। यू नो व्हाट गाइस, जब ये गेम लॉन्च हुआ था ना तो तुम में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। सीरियसली लोग पागल हो गए थे इस गेम को खेलने के लिए, बिकॉज यार ये गेम है इतना माइंड ब्लोइंग। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो कंट्रोल गेम काफी सिंपल है। एज यू कैन सी कि मैं तुमको एक्चुअल गेम प्ले फुटेज दिखा रहा हूँ जिसको मैंने अपने स्मार्टफोन में खेलते वक्त रिकॉर्ड किया। टू बी ऑनेस्ट गाइस, गेम मुझे काफी अच्छा लगा एंड सीरियसली आपको भी मजा आएगा। लाइक स्टार्टिंग में डॉक्टर ऑक्टेवियस साइंस एक्सपो में लोगों के सामने अपने गैजेट डेमोंस्ट्रेट कर रहे होते हैं कि तभी स्पाइडरमैन का डॉपलगैंगर कहीं से आ जाता है और सभी गैजेट चोरी कर लेता है एंड सबको लगता है कि ये स्पाइडरमैन का काम है। तो यार इसी तुम अंदाजा लगा लो कि गेम कितना जबरदस्त होने वाला है। वेल गाइस, ये गेम अनरियल इंजन में डेवलप हुआ नहीं है तो ग्राफिक्स क्वालिटी तुम देख रहे हो कि कैसी है। बाकी यार आगे जाके गेम और भी जबरदस्त हो जाता है। तुमको जेम्सन को स्कॉर्पियन से बचाना पड़ेगा, वहाँ से भागते वक्त तुम्हारी डेयर डेविल से फाइटिंग होगी। इसी के साथ अब लिस्ट के अगले गेम की बारी है जिसका नाम होने वाला है स्पाइडरमैन 2 एंटर इलेक्ट्रो। ऑलराइट गाइस, सीक्वल है पिछले गेम का। वैसे तो काफी सिमिलैरिटी है दोनों गेमों में, लाइक स्टोरी कंटिन्यू मिलेगी, तो स्टोरी बताना तो कैंसिल बिकॉज फिर मजा खराब हो जाएगा। ऑल्दो यार इस वाले गेम में लिजार्ड मैन एंड सिम्बायोट्स की जगह क्रिमिनल्स एंड रोबोट देखने को मिलते हैं। स्पाइडरमैन के पास ना वेब बॉल शूट करने की एबिलिटी है, तो ये तुमको काफी अच्छा लगने वाला है। और हाँ, गेम में अगर तुमको स्पेशल लेवल कंप्लीट करते हो ना तो तुम स्पाइडरमैन की स्पेशल कॉस्ट्यूम भी अनलॉक कर सकते हो। मेरे हिसाब से तुम इस वाले गेम को पिछले वाले गेम के साथ डाउनलोड कर लेना जिससे तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 400 MB का ही है। सीरियसली गाइस, हम लोग यार काफी ज्यादा लकी है क्योंकि स्मार्टफोन इतने एडवांस हो गए हैं कि स्पाइडरमैन का एक कंसोल गेम हम अपने स्मार्टफोन में प्ले कर सकते हैं। वेल यार, मैं स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशन गेम की बात कर रहा हूँ जिसको आज से एक साल पहले तक सिर्फ विंडो और प्लेस्टेशन में खेलना पॉसिबल था, बट नाउ सिर्फ अपने स्मार्टफोन में जितना मीटर इंस्टॉल करना और आपका काम हो जाएगा। इसलिए तुम लोग गेम को प्ले कर सकते हो। हाउएवर, अगर तुम्हारे फोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पुराने वाला है ना तो गेम लैग कर सकता है, तो सॉरी यार। ऑलराइट गाइस, जैसे यार स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में मल्टीवर्स दिखाया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे यार इस गेम में भी मल्टी यूनिवर्स है, तो बाकी स्पाइडरमैन गेमों से बिल्कुल हटके यार ये। यहाँ पर जब स्पाइडरमैन एंड मिस्टीरियो फाइट कर रहे होते हैं ना तो ऑर्डर एंड केओस नाम की एक टैबलेट है जो टूट जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट मल्टी यूनिवर्स रियलिटी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वेल, इसलिए हर स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में टैबलेट के पीसेस को ढूंढना है, तो भाई कमाल का गेम होने वाला है। सीरियसली फाइटिंग स्टाइल यार गेम के बड़े जबरदस्त है, बट विलेंस गेम में इतने खास नहीं है एंड सारे फाइटिंग मूव स्टार्टिंग में अनलॉक नहीं होते, खेलते खेलते करने पड़ते हैं। सो जैसे ही तुम लोग इस वाले गेम को कंप्लीट करोगे, आज की लिस्ट का अगला गेम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, बिकॉज ये अगला पार्ट है स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम। यू नो व्हाट गाइस, दोनों ही एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें तुमको मिशन को कंप्लीट करना है एंड अगेन सीरियसली कमाल का मजा आता है। माइंड ब्लोइंग स्टोरी है इसमें भी, बट बतानी नहीं है, आई नो। बाकी सब यार सिमिलर ही है, लाइक ओरिजिनल स्पाइडरमैन हाइपर सेंस मोड में तेज भाग सकता है, एनिमी से फाइट करना भी आसान हो जाता है बिकॉज तुम बिना डैमेज लिए डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाउएवर यार, इस गेम को मिक्स रिव्यू मिले कि ये वाला गेम स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशन जितना अच्छा नहीं है। ऑल्दो इन माय ओपिनियन दोनों गेम ही अमेजिंग है, तो खेल के जरूर देखना, क्या पता मेरी तरह तुम्हें भी दोनों गेम ही अच्छे लगे। ऑलराइट गेमर, स्पाइडरमैन बैटल फॉर न्यूयॉर्क यार ये वाला गेम स्पेशली गेम बॉय एडवांस एंड निंटेंडो डीएस के लिए बना है, सो दोनों ही ओल्ड जनरेशन हैंड कंसोल है। वेल, इसलिए आज का हमारा आखिरी गेम मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, तो साइज सिर्फ 8 MB का है, तो कमाल की बात है ना। ओके देन, गेम प्ले आपके सामने, ग्राफिक्स क्वालिटी तो अच्छी नहीं है मालूम है मेरे को एंड प्रोबेबली खेलने में भी आपको बोरिंग लगेगा। मैंने तो 5 मिनट खेला होगा, उसके बाद आज डाउनलोड किया, वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज वीडियो के लिए गेम प्ले रिकॉर्ड करना था। मजा आ गया गाइस, बड़े जबरदस्त गेम थे ये एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सारे गेम ऑफलाइन है। ऑलराइट देन, गेम अगर पसंद आए तो लाइक डेफिनेटली बनता है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल ग्रो करने में आपको मेरी मदद करनी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। दैट्स इट, अब मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और जबरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।
There's something that'll have what you need. What you need.